हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल स्मोकिंग व्हील्स पे। आज हम खड़े हैं मारुति सुजुकी बैलेनो के सामने। ये उसकी आप की देख सकते हैं, ब्लैक फिनिश में, रेड कलर से इसमें सुजुकी का लोगो बना हुआ है। रिमोट की है, इसी से आप गाड़ी को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। अगर फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो गाड़ी सामने से देखने में कुछ इस तरीके से लगती है। ये आप जेटा मॉडल देख रहे हैं, इसके कितने मॉडल आते हैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। इसका जो बेस मॉडल आता है उसका नाम है सिग्मा, पेट्रोल और डीजल दोनों वेरियंट में आता है। इसके बाद आपका डेल्टा मॉडल आता है, वो भी दोनों वर्जन में आता है। जेटा मॉडल आप देख रहे हैं, ये सेकंड टॉप मॉडल इसको आप बोल सकते हैं। इसके बाद अल्फा मॉडल आता है, टॉप मॉडल जिसको हम बोलते हैं। इसके अलावा एक पेट्रोल वर्जन सिर्फ आता है जिसका नाम है बैलेनो RS। इतने ही मॉडल आते हैं, सारे के सारे पेट्रोल और डीजल में आते हैं। ये आप जो बैजिंग देख रहे हैं ये आफ्टर मार्केट है, ये अलग से लगाया हुआ है, कंपनी की तरफ से ये नहीं आते हैं। स्माइली फेस है और क्रोम का इंसर्ट पूरा आपको लेफ्ट से राइट तक देखने को मिलता है, जो कि एक स्माइली फील देता है गाड़ी को सामने से। अगर इसके हेडलैम्प की बात करें, इसमें आपको LED प्रोजेक्टर हेडलाइट मिल जाते हैं लाइट गाइड टेक्नोलॉजी के साथ। इसमें आपको DRL नहीं मिलता, लाइट गाइड टेक्नोलॉजी मिल जाती है। यहाँ पे भी क्रोम का इंसर्ट मिल जाता है देखने को आपको। अगर आप इसका टॉप मॉडल लेते हैं तो उसमें आपको DRL मिलते हैं देखने को। ये आप जो देख रहे हैं फॉग लैंप कंपनी की तरफ से है, बट ये जो आप DRL टाइप की चीज़ देख रहे हैं ये बाहर से लगाए हुए हैं। नीचे जो क्लैडिंग है उस पर भी क्रोम का इंसर्ट देखने को मिलता है। तो काफ़ी खूबसूरत गाड़ी है, सेकेंड टॉप मॉडल आप ये देख रहे हैं। अगर इसके व्हील की बात करें तो इसमें आपको एलॉय व्हील मिल जाते हैं। 16 इंच के इसमें आपको टायर मिल जाते हैं, 195/55 R16, जो कि ये बताते हैं कि काफ़ी खूबसूरत से टायर इसके हैं। इसकी व्हील्स जो हैं वो भी काफ़ी खूबसूरत है, एलॉय व्हील्स है और डुअल टोन कलर में आती है, सिल्वर और पियानो ब्लैक फिनिश में। इसका जो ORVM है वो भी इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल कर सकते हैं इसको आप, क्योंकि ये सेकेंड टॉप मॉडल है। यहीं पर आपको इंडिकेटर भी मिल जाते हैं। क्लैडिंग की बात करें तो क्लैडिंग पूरा आगे से पीछे तक दी हुई है और उस पर भी आपको क्रोम के इंसर्ट मिल जाते हैं, जो काफ़ी खूबसूरत गाड़ी बनाते हैं। डुअल कलर्स में देखने में प्रतीत होते हैं, ये डुअल कलर्स में दिए हुए हैं। यहाँ पे भी क्रोम का डिज़ाइन मिल जाता है, क्रोम की इंसर्ट मिल जाती है आपको देखने में। रूफ़ की बात करें तो रूफ़ पे आपको ब्लैक फिनिश में इसके नॉन वर्किंग टाइप के जो इसके रूफ रेल्स हैं वो मिलते हैं ब्लैक फिनिश में, जो गाड़ी को काफ़ी खूबसूरत बनाते हैं। फ्रंट से अगर आप उसको देखते हैं, जब उसके रूफ रेल को आप देखते हैं, तब सामने से बात करें तो आपको दो वाइपर मिल जाते हैं बड़े साइज के, दो वॉशर्स के साथ, जिससे आप बारिश वगैरह के समय में अपनी गाड़ी को आप फ्रंट विंडशील्ड को आप क्लीन कर सकते हैं। इसके ग्राउंड क्लीयरेंस की अगर बात की जाए तो 170 मिलीमीटर इस गाड़ी का ग्राउंड क्लीयरेंस है, क्योंकि कार के लिए ठीक ठाक ग्राउंड क्लीयरेंस माना जाता है। और अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो गाड़ी साइड से कुछ इस तरीके से देखने में लगती है। काफ़ी खूबसूरत सी गाड़ी है, मारुति की ये हैचबैक है, और अगर आपका बजट अलाउ करता है, आपका बजट 5.5 लाख से लेकर के 9 लाख तक का है, तो आप कोई भी मॉडल आसानी से ले सकते हैं। तो देखिए, साइड प्रोफाइल से गाड़ी की बात अगर देखी जाए तो साइड से गाड़ी कुछ इस तरीके से लगती है। क्लैडिंग पे भी अगर क्रोम का इंसर्ट जो दिया हुआ, उसकी वजह से गाड़ी साइड से काफ़ी अच्छी लगती है। तो गाड़ी भी खूबसूरत है, इसकी की भी खूबसूरत है। और डोर हैंडल की बात करें तो यहाँ पे कीलेस एंट्री है, यहाँ पे भी आपको क्रोम का फिनिश मिल जाता है, जो कि एक अलग सा लुक देता है गाड़ी को साइड से। और ये पेट्रोल वर्जन आप देख रहे हैं, डीजल वर्जन भी इसमें आता है, तो इसका फ्यूल टैंक यहाँ पे मेंशन है और इस पर जो पेट्रोल ये लिखा हुआ, ये भी आफ्टर मार्केट है कंपनी की तरफ से, ये नहीं आता है। ये पीछे के व्हील्स आप देख रहे हैं, आगे आपको ड्रम ब्रेक मिलता है, आगे आपको डिस्क ब्रेक मिलता है, पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं इस गाड़ी में। अगर इसका टॉप मॉडल लेते हैं तो उसमें आपको चारों पहियों में डिस्क ब्रेक मिल जाता है देखने में। अगर रियर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर आपको एक एंटीना मिल जाता है, हाई माउंटेड टेलम मिल जाता है, यहाँ पर डिफॉगर मिल जाता है, यहाँ पर आपको नीचे आपको एक वाइपर मिल जाता है, और पीछे भी आपको क्रोम का इंसर्ट देखने को मिलता है लेफ्ट टू राइट। नेक्सा की स्टिकरिंग मिल जाती है, यहाँ पे सुजुकी का लोगो मिलता है, बैलेनो की बैजिंग मिल जाती है। और इसके अगर टेल लैंप की बात की जाए तो LED टेल लैंप है, कॉम्बिनेशनल लैंप इसको बोलते हैं, कॉम्बिनेशन लैंप बोलते हैं। इसी में आपको इंडिकेटर मिल जाते हैं और यहाँ पर भी क्रोम का इंसर्ट है इसके बूट के डोर पर। तो ये पार्किंग सेंसर आप देख रहे हैं। कैमरे की बात करें तो टॉप मॉडल में कैमरा आता है, बट जेटा मॉडल में कैमरा, ये आफ्टर मार्केट आप देख रहे हो, बाहर से लगवाया गया है। इस पर जो क्लैडिंग दी हुई, यहाँ पे भी क्रोम का इंसर्ट है। सेंसर आप देख सकते हैं इसके ऊपर, 4 सेंसर पीछे दिए हुए हैं, इसकी सहायता से रियर पार्किंग करने में आपको आसानी होगी। तो रियर प्रोफाइल आपने देख ली, फ्रंट प्रोफाइल देख ली, साइड प्रोफाइल देख ली। अब इसके बूट की बात करते हैं, इसका बूट कितने लीटर का है, कितना स्पेस इसके अंदर है। तो बूट यहाँ से आप ओपन करेंगे, यहाँ पे 2 बटन दिए हुए हैं, यहाँ से आप पुश करेंगे तो बूट इसका ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए, इसका बूट ऐसे ओपन होता है। पार्सल ट्रे आप देख सकते हैं, दूर से दिखाऊंगा आपको तो बूट कुछ इस तरीके से नज़र आता है। अब आपको वो बटन दिखाते हैं जिसकी सहायता से आप बूट को ओपन कर सकते हैं। ये वो दोनों बटन्स हैं, इस वाले बटन को पुश करके आप बूट को ओपन कर सकते हैं। हालांकि अगर आपने गाड़ी लॉक कर रखी है और आप गाड़ी से दूर हैं तो आपका बूट नहीं ओपन होगा,
उसका एक रेडियस है, उतनी रेडियस के अंदर ही वो ओपन अप कर सकते हैं। तो 339 लीटर का इसमें आपको, 339 लीटर का इसमें आपको बूट स्पेस मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। आराम से आप 3-4 अपने ट्रॉली बैग वगैरह, छोटे अगर ट्रॉली बैग आपके हैं 3-4 बैग आप रख सकते हैं। इसके अलावा कई बैग और भी रख सकते हैं, छोटे मोटे आपके जो पिट्ठू बैग होते हैं। यहाँ पे आपको इसका स्पेयर भी मिल जाता है, टूल्स वगैरह यहीं पर मिल जाते हैं उसके नीचे, फर्स्ट एड किट आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो बूट भी काफ़ी स्पेसियस है, हैचबैक होने के बाद भी इसका बूट काफ़ी स्पेसियस है। अगर आप सामान रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं बैग वगैरह आपने। तो रियर प्रोफाइल भी काफ़ी खूबसूरत है, जितनी फ्रंट से गाड़ी खूबसूरत लगती है, साइड से भी खूबसूरत, मतलब ये ओवरऑल गाड़ी काफ़ी खूबसूरत लगती है। चारों तरफ से आप गाड़ी को देखोगे, हर तरफ से गाड़ी आपको खूबसूरत नजर आएगी। तो अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आपने विजिट किया इस गाड़ी के थ्रू, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक करिए, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने को हमेशा मिलती रहेगी। तो चलिए अब इसका इंटीरियर देखते हैं। यहाँ से इसके डोर को हम ओपन कर लेते हैं, और इंटीरियर अंदर बैठने से पहले मैं दिखाना चाहूँगा इसके सीट्स। इसके सीट्स आप देख सकते हैं, इसमें जो हाइट एडजस्टेबल सीट्स है ये, और अपोस्टी की बात करें तो काफ़ी प्रीमियम मटेरियल इसमें यूज किया हुआ है, बैलेनो लिखा हुआ मिल जाता है सीट्स पे। डुअल टोन कलर में इसकी सीट्स भी मिल जाती है आपको। और इसके बाद हम इसके डोर्स की बात कर लेते हैं, इसके डोर्स कैसे हैं। तो ये देखिए इसके डोर्स काफ़ी खूबसूरत हैं। डोर का जो अंदर का आपको डोर लॉक दिया हुआ है वो भी क्रोम फिनिश में दिया हुआ है। यहाँ से विंडो, पावर विंडो गाड़ी है तो आप यहाँ से विंडो को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए क्रोम का इंसर्ट यहाँ भी है, और यहाँ पे सिल्वर इंसर्ट मिल जाता है, जो कि काफ़ी खूबसूरत लुक देता है डोर्स को अंदर से भी। तो यार सिल्वर का इंसर्शन और क्रोम का इंसर्ट कंपनी ने काफ़ी यूज़ किया है, जिस वजह से गाड़ी काफ़ी खूबसूरत लगती है। यहाँ एक छोटा सा स्पीकर मिल जाता है देखने को आपको। अब अंदर गाड़ी के बैठ जाते हैं और देखते हैं इसका लेग स्पेस कितना है। तो अभी देखिए सीट मेरी पूरी आगे है, फिर भी काफ़ी अच्छा लेग स्पेस है। यहाँ पे एसी के विंड मिल जाते हैं, एसी के विंड के जो डिजाइनिंग है इसके साइड में जो आप सिल्वर फिनिश देख रहे हैं वही गाड़ी काफ़ी खूबसूरत लुक देता है। एक ग्लव बॉक्स मिल जाता है, जिसमें आपको कोई भी जरूरत के सामान आप यहाँ पर रख सकते हैं, अपने पेपर वगैरह रख सकते हैं। और एक खास बात सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें आपको एयर बैग मिल जाते हैं ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों साइड में, क्योंकि ये सेकंड टॉप मॉडल है और इसमें एयर बैग तो होना ही चाहिए। किसी भी गाड़ी में एयर बैग कभी मैंडेटरी होना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर इसकी ऑडियो सिस्टम की बात करें तो बड़ा सा एक डिस्प्ले मिल जाता है जो कि टच स्क्रीन डिस्प्ले है। हजार लाइट का स्विच मिल जाता है। एसी का जो सिस्टम पूरा दिया हुआ है ना, काफ़ी खूबसूरत लगता है गाड़ी में। एक नई सी डिज़ाइन दिया हुआ है इसमें कंपनी ने, जो काफ़ी खूबसूरत फील देता है। टोटली ऑटोमेटिक एसी है, यहीं से सारी चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं। फैन की स्पीड बढ़ा सकते हैं, मोड चेंज कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। और जो बीच में आप राउंड शेप में देख रहे हो ना, ये जो राउंड डिज़ाइन दिया हुआ है क्लॉक टाइप का, ये है एसी का डिस्प्ले एरिया। इसमें आपको इसका टेम्परेचर बताएगा कि कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पे आपकी एसी चल रही है। और नीचे आपको एक चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है, और इसकी किसी ठीक बगल में आपको ऑक्स और यूएसबी के पॉइंट भी मिल जाते हैं। अगर आप म्यूजिक वगैरह सुनना चाहते हैं, मोबाइल चार्ज करना चाहते हैं, यहाँ से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये इसका ट्रांसमिशन आप देख सकते हैं, 5 फॉरवर्ड 1 रिवर्स टाइप का इसमें ट्रांसमिशन मिलता है। यहाँ पे भी आपको क्रोम का इंसर्ट मिल जाएगा इसके पार्किंग ब्रेक पे भी, और देख सकते हैं सिल्वर फिनिश पूरी दी हुई है साइड में इसके। ये इसके पैडल्स देख रहे हैं आप। तो भाई मुझे तो ये गाड़ी बहुत खूबसूरत लगी, अगर आप इसमें बैठोगे चलाओगे तो भी बहुत मजा आने वाला है। ये गाड़ी काफ़ी खूबसूरत है। ये इसके रियर व्यू मिरर अंदर वाला, ये भी इसमें भी आपको ऑटोमेटिक ये भी है। तो भैया अगर आप एक गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो, आपका बजट 6 लाख से 7-8 लाख तक का है, तो आप इस गाड़ी को परचेज कर सकते हो। काफ़ी खूबसूरत सी गाड़ी है ये, फीचर्स भी काफ़ी सारे दिए हुए हैं। यहाँ पे एक आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है इस साइड के वाइजर पे, तो वैनिटी मिरर को ड्राइवर साइड में मिल जाता है। ड्राइवर साइड में कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ड्राइवर तो गाड़ी चलाएगा, वो तो मिरर देखेगा नहीं। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है। अगर हम इसमें रीडिंग लाइट की बात करें तो रीडिंग लाइट भी काफ़ी खूबसूरत है, उसकी डिजाइनिंग बड़ी अच्छी है। इसको आप इस तरीके से ऑन ऑफ कर सकते हैं। साइड में जो दिख रहे हो आप, ये जो वेंट है ना, ये स्पीकर है, ये मोबाइल वगैरह कनेक्ट करोगे तो यहाँ से आवाज़ आएगी। ये टिकट होल्डर मिल जाता है ड्राइवर साइड में आपको वाइजर पे, सन वाइजर पे, तो मोबाइल भी कंट्रोल कर लीजिए। मोबाइल भी इसी से आप कनेक्ट करके अपने कॉल वगैरह यहाँ से पिक करके यहाँ से आवाज़ ले सकते हैं आप गाड़ी में। तो यार को ड्राइवर से तो गाड़ी बहुत अच्छी लगी। अब ड्राइवर साइड से भी देखते हैं। यहाँ पे एक लाइट जलती है जब आप गाड़ी का डोर ओपन करते हो, नाइट में काफ़ी खूबसूरत फील आएगा। अगर आप नाइट में इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे लाइट जलेगा। यहाँ पे भी क्रोम का इंसर्ट दिया हुआ है। क्रोम फिनिश होने की वजह से गाड़ी और भी खूबसूरत लगती है। जगह जगह क्रोम की डिजाइनिंग की हुई है, फिनिश दी हुई है। चलिए ड्राइवर साइड से देखते हैं गाड़ी कैसी है। ड्राइवर साइड की बात करें तो ड्राइवर साइड के डोर की बात कर लेते हैं पहले। हाँ, यहाँ पे काफ़ी सारे बटन्स हैं, जिस मैंने पहले बताया ओ आर वी एम आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल है।
और यहाँ से आप लॉक अनलॉक कर सकते हो। ये पूरे पावर विंडो गाड़ी है, तो पावर विंडो के कंट्रोल यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे बॉटल होल्डर दिया है, यहाँ पे क्रोम का इंसर्ट है, यहाँ पे स्पीकर दिया हुआ है जैसा कि लेफ्ट साइड में था। और सीट्स इसके जो हैं ये एडजस्टेबल हैं, मैनुअल सीट्स हैं। इसकी हाइट वगैरह को और आगे पीछे करना हो तो आप सीट्स को यहीं से कर सकते हैं। बैलेनो लिखा हुआ है या ये लाइट जलती है इसमें। हाँ, इसकी खास बात ये है कि ये पुश स्टार्ट गाड़ी है। जेटा मॉडल आप देख रहे हो तो ये पुश स्टार्ट है, यहाँ से आप गाड़ी को पुश करके स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हैं। हाँ, जब अगर आपको स्टार्ट करना होगा तो की आपके पास ही होनी चाहिए, वो भी गाड़ी में होना चाहिए की। अगर आप गाड़ी के बाहर खड़े हो तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। यहाँ से आप इसके हुड को खोल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपकी की बाहर है तो आप गाड़ी में बैठे भी हो तो क्या होगा, गाड़ी आप पुश करके स्टार्ट नहीं कर पाओगे। चलिए गाड़ी में बैठ जाते हैं। तो ये देखिए, इसकी स्टीयरिंग है, टिल्टेबल स्टीयरिंग है, काफी अच्छी है स्टीयरिंग। टेलीस्कोपिक और टिल टाइप की स्टीयरिंग आप देख रहे हो। बीच में सुजुकी का लोगो मिल जाता है, एयरबैग की बैजिंग मिल जाती है, हॉर्न वगैरह भी बीच से आप कंट्रोल कर सकते हो। स्टीयरिंग में भी काफी सारे कंट्रोल्स के स्विच दिए हुए हैं। जैसे आप म्यूजिक के शौकीन हो तो म्यूजिक भी आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हो, मोड चेंज कर सकते हो, वॉल्यूम को अप डाउन कर सकते हो, हॉर्न यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो आप। और कॉल वगैरह देखिए, यहाँ पे भी क्रोम का फिनिश दिया हुआ है। कॉल वगैरह आपको कनेक्ट करना है तो कॉल को रिसीव करना, कट करना आप यहीं से भी उसको कर सकते हो। ये आपका टॉगल, जैसा कि हर गाड़ी में देखने को मिलता है, लेफ्ट साइड में आपको टॉगल मिल जाता है वाइपर का, राइट साइड में जो टॉगल है वो मिल जाता है आपको लाइट और इंडिकेटर्स के। तो काफ़ी खूबसूरत गाड़ी है, काफ़ी सारे फीचर्स में दिए हुए हैं। सेकंड टॉप मॉडल है, फर्स्ट टॉप मॉडल और सेकंड टॉप मॉडल में कोई खास अंतर नहीं होता, तो सेकंड टॉप मॉडल ही लेना चाहिए, मेरा फीडबैक तो ये होगा। ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है आपको। अगर आपका डोर ओपन है तो डोर ओपन बताएगा, स्पीडोमीटर मिल जाता है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आपको आरपीएम मीटर मिल जाता है। अगर इसको हम स्टार्ट करते हैं गाड़ी को तो देखिएगा कितने इन्फॉर्मेशन आपको बीच में मिलेंगे। जो बीच में आपको एक एलसीडी पैनल मिल जाता है, ये देखिए पुश स्विच स्टार्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे खुद ही बताता है। अगर आप पढ़े लिखे इंसान हो तो आपको यहीं से सारी इंडिकेशन मिल जाएगी। तो देखिए मैं गाड़ी को स्टार्ट करूंगा, ये देखिए कई सारी चीज़ें डिस्प्ले होने लगी यहाँ पे। यहाँ पे आपको माइलेज बता रहा है, बीच में 17.3 किलोमीटर इस गाड़ी का माइलेज है, और रेंज वगैरह दिखा रहा है यहाँ पे, रेंज वगैरह आप यहाँ से सेट भी कर सकते हो। तो भैया यहीं पे सारे इंडिकेशंस हैं, अगर आप पढ़े लिखे इंसान हो तो सारे इंडिकेशन आपको यहीं मिल जाते हैं। चलिए मैं गाड़ी को बंद कर देता हूँ और अब देखते हैं गाड़ी में और क्या खास है। तो यार मुझे तो ये गाड़ी काफ़ी अच्छी लगी, और एक खास बात इसमें और भी है, इसमें हाई स्पीड वार्निंग भी दी हुई है गाड़ी में। अगर आप स्पीड ओवर स्पीडिंग करते हो तो गाड़ी में एक वार्निंग बीप आएगी, सीट बेल्ट की भी बीप आएगी, ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों को। तो आपको सीट बेल्ट तो पहनना ही होगा, उसको तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पहनना भी चाहिए। तो चलिए अब गाड़ी को पीछे से देख लेते हैं, पीछे से गाड़ी कैसी लगती है देखने में। यार पीछे से भी गाड़ी काफ़ी खूबसूरत लगती है, पीछे के डोर पे भी आपको डोर हैंडल वगैरह जो अंदर से दिए हुए हैं वहाँ पे भी आपको क्रोम की इंसर्ट मिल जाती है। पीछे से आप विंडो, पावर विंडो है तो पीछे से विंडो को आप अप डाउन कर सकते हो। यहाँ पे सिल्वर फिनिश मिल जाता है, बॉटल होल्डर मिल जाता है, डोर्स पे आपको स्पीकर मिल जाते हैं रियर डोर्स पे दोनों साइड में। अगर आप म्यूजिक के शौकीन हो तो आप यहाँ से आवाज़ को सुन सकते हो, साउंड सुन सकते हो। सीट्स की बात करें तो पीछे की सीट्स कुछ इस तरीके से देखने में लगती है। चलिए देख लेते हैं, और अगर आपकी हाइट ज़्यादा है, आप सीट पे अपने बैकरेस्ट को एडजस्ट करना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पे एडजस्टेबल दिया हुआ है, एडजस्ट करके आप बैठ सकते हैं। पीछे आपको सीट बेल्ट मिल जाता है पीछे की तरफ भी। अब गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और देखते हैं गाड़ी अंदर से कैसी है बैठने पे, पीछे का लेगरूम कैसा है। पीछे से भी काफ़ी अच्छी है, मेरी जो हाइट है 5.7 इंच है और मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। 6 फीट का आदमी भी इसमें आराम से बैठ लेगा, बहुत स्पेस है। ये इसका आर्मरेस्ट, यहाँ पे भी एक 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है। पीछे के पैसेंजर अगर जो बैठे हैं वो भी अपने मोबाइल वगैरह को यहाँ से चार्ज कर सकते हैं। तो यार हैंडरेस्ट जो दिया है यहाँ पे भी थोड़ा बहुत स्पेस दिया हुआ है, कुछ अपने आप सामान रखना चाहते हो तो यहाँ रख सकते हैं। यार मुझे गाड़ी काफ़ी अच्छी लगी, आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे भी एक लाइट मिल जाती है, केबिन लाइट, जिसमें आप पीछे का आदमी भी अगर जो बैठा है, पैसेंजर बैठा है, वो भी मैगजीन वगैरह पढ़ सकता है। ग्रैब हैंडल आपको पीछे भी मिल जाते हैं दोनों साइड में। तो यार मुझे गाड़ी काफ़ी अच्छी लगी, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये गाड़ी परचेस करनी है तो मैंने प्राइस और मॉडल पूरा बता दिया है, उसकी सहायता से आप परचेस कर सकते हैं। तो यार अभी पूरे वर्ल्ड में जो है ना एक वायरस ने काफ़ी आतंक मचा रखा है, तो मेरा सलाह यही होगा, मेरे वीडियोस देखते रहिए, वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। घर में रहिए, बाहर मत निकलिए, क्योंकि आपकी सुरक्षा है, आपके परिवार की सुरक्षा है, देश की सुरक्षा है। तो गाड़ी कैसी लगी जरूर बताइएगा, मैंने काफ़ी डिटेल में आपको बता दिया, सारी कुछ चीज़ें बता दी। अगर आपने कोई चीज़ मिस कर दी है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन नीचे मैंने सबटाइटल दे रखा है, वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें मैंने मेंशन की हैं, उसको रीड करके भी गाड़ी के बारे में आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो सच में अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो फिर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए बने रहे चैनल पर, सपोर्ट करते रहिए, प्यार बनाए रखिए। जल्दी मिलूंगा किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय 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 बाय।